वसंत पंचमी एक हिंदू त्योहार है। वसंत पंचमी प्रत्येक वर्ष माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। वसंत पंचमी कथा। सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा ने जीवों, खासतौर पर मनुष्य योनि की रचना की। अपनी सृजना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। विष्णु से अनुमति लेकर ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छिड़का। पृथ्वी पर जल कण बिखरते ही उसमें कंपन होने लगा। इसके बाद वृक्षों के बीच से एक अद्भुत शक्ति का प्राकट्य हुआ। यह प्राकट्य एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। तब ब्रह्मा ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। यह विद्या और बुद्धि प्रदाता हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। वसंत पंचमी इनके जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। वसंत पंचमी के दिन प्रयागराज में चल रहे कुंभ में शाही स्नान भी होगा। यह कुंभ मेले का चौथा शाही स्नान है। इस दिन मां सरस्वती की खास पूजा की जाती है।